आपका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। तो जी सुबह के बज गए हैं 10:30 और मैंने टोटली अपना काम सारा कर लिया है, यानी कि झाड़ू पोछा, घर डस्टिंग वस्टिंग, बच्चे गए हैं स्कूल में। तो अब मैं भाई पहले नहाने से पहले थोड़ा सा सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि किचन में गर्मी लगती है, खड़ा नहीं हो जाता ज़्यादा देर, तो इसलिए पहले सब्जी बनाती हूँ। आज मैं जो बनाऊँगी दाल, चने की दाल बनाऊँगी, वो आपके साथ शेयर करूँगी। पता नहीं भाई कौन बनाता कौन नहीं, किसी को आती है कि नहीं आती है, लेकिन जो हम बनाते हैं उस तरीके से आप बनाते हैं या नहीं बनाते, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए, चने की दाल मैंने आधे घंटे से भिगो रखी है, तो अब उसका आगे वाली कार्रवाई जो होती है वो करेंगे। जी देखिए, ये है चने की दाल जो मैंने आधे घंटे तक भिगो कर रखी थी, और उसको मैंने खूब वॉश कर लिया है 2-3 बार, तो ये खूब अच्छे से फूल गई है देखिए। तो सबसे पहले जो डालते हैं कुकर के अंदर, देखिए ये मैंने दाल दी है, और ये है लौकी जो कि मैंने छील के काट ली है, ये भी इसके अंदर जाएगी। अब देखिए ये है लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची, ये भी इसके अंदर जाएंगे। और ये है टमाटर, ये भी इसके अंदर जाएंगे। ये है लाल मिर्ची और कुटा हुआ धनिया, ये भी अंदर जाएंगे। तो जी अब जाएगा नमक, वो तो आप अपने हिसाब से देख लेना कितना डालना भाई। तो जी अब इसके अंदर जाएगी हल्दी, भाई फोन हाथ में ही है तो इसलिए खुशी मंदी बात कर लेना। मैं यू क्यों फोन मान लाग रही, मैंने आवाज दोबारा आवाज करनी पड़ेगी। देखिए इतना पानी, तो जिसको 4 सीटी आने तक इसको मंदी आंच पे रखना है, और 4 जब इसकी सीटी आ जाएंगी तो ये दाल अच्छे से पक जाएगी मेरी बहुत अच्छे से। तो ये 4 सीटियाँ आ गई थी, और मैंने इसको ऐसे गैस रख दिया था, जब इसकी सारी जैसे भाई अंदर की गैस ख़त्म हो गई थी तब मैंने कुकर को खोला था। तो जी देखिए मेरी दाल इतनी अच्छे से गल गई है, बहुत ही अच्छे से। और अब इसको जो देसी चीज़ होती थी पहले की, रई बोलते थे हम, तो भाई आप पता नहीं क्या बोलते उसको, तो अब इसको उस रई से मैंने अच्छे से इसको फेंट दूंगी। भाई इससे जो चीज़ घुटती है ना वो किसी चीज़ से नहीं घुटती, चाहे कुछ भी यूज़ कर लो, लेकिन ये चीज़ ऐसी पुरानी चीज़ है जो कि भाई चीज़ को एकदम मलाई सा बना देती है। इससे हम तो हरियाणा भाषा बोलते हैं रफड़ देते हैं, यानी कि बिल्कुल अच्छे से घोट देते हैं इस चीज़ से, ये एकदम मलाई सा इसको बना देगी दाल को। तो जिसको अब यहाँ से अच्छे से मैं घोट लेती हूँ, और देखिए दाल मेरी कितना अच्छा कलर आया हुआ है दाल का, बहुत ही अच्छा, और एकदम ऐसी बनी है, नहीं तो ज़्यादा पानी है नहीं कम है, बिल्कुल इस ऐसी ही मेरे को दाल चाहिए ये वाली। और ये चने की दाल मैं क्या बताऊँ, साल में हम ये दाल हद मार के 2-3 बार ही बनाते हैं, क्योंकि बहुत कम बनती है ये दाल। तो आज मैंने बनाई तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी देखिए मैंने अब तड़का लगाने के लिए अलग से छोटा सा फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है देसी घी। तो जी सबसे पहले इसके अंदर जाएगा जीरा, और जीरा डालने के बाद फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी, जैसे जीरा हल्का सा क्रैक हो जाएगा तो जब इसके अंदर डाल दूँगी मैं क्या बोलते हैं मिर्च, थोड़ी हींग और लाल मिर्ची साबुत, और ये है सूखे हुए करी पत्ता है सूखा हुआ मैं रखती हूँ, अब ये जैसा ताज़ा नहीं हो तो मैं इसको सुखा के रख लेती हूँ, तो ये भी यूज में आ जाता है। तो ये तड़का मेरा रेडी हो गया है, तो इसको अब डायरेक्ट मैं कुकर के अंदर छोड़ दूँगी, ऊपर से ढक्कन लगा दूँगी ताकि सारी जो स्मेल है खुशबू है सब इसके अंदर रुक जाएगी, तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाती है दाल में। किसी भी चीज़ में तड़का लगाओ तो ये खुशबू बहुत अच्छी बनाता है। तो जी देखिए अब इसी चम्मच यानी कि इसी से मैं फ्राई पैन छोटे वाले से इसी से मैं इसको थोड़ा सा चला दूँ ताकि जो घी एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो भी उतर जाए। तो जी अब मैं आपको मिलूँगी, मेरी थाली जो रेडी कर लूँगी ना खाने की वो आपको दिखाऊँगी। तो जी मैंने अब इसके अंदर डाल दिया है
कटा हुआ हरा धनिया। तो जी बच्चा रो रहा है, उसकी आवाज़ ज़रूर बीच में आएगी, हमारे ऊपर किरायादार का बच्चा है वो रो रहा है तो उसकी आवाज़ आएगी ज़रूर, उसके लिए सॉरी। तो जी देखिए ये मेरी दाल बन गई है बिल्कुल रेडी, तो इसको मैं अब कुकर को बंद करके रख दूँगी। तो जी देखिए अब मेरी थाली बन गई है। तो जी मेरी थाली बन के रेडी हो गई है, मेरा खाना रेडी हो गया बन के, मम्मी ने खा लिया। तो मैं अपनी स्पेशल थाली दिखाऊंगी क्योंकि मम्मी इतनी चीज़ें नहीं लेती हैं, तो इसलिए। तो जी देखिए सबसे पहले तो वही जो मैंने आपके सामने दाल बनाई थी ये वो है, इसमें मैंने डाल रखी है ताकि ठंडी हो जाए। तो जी देखिए ये दाल है, ये मैंने प्याज काट रखे, नमक नींबू लगा रखे, ये आम का अचार, ये हमारा घेवर है, लस्सी है। तो जी घेवर तो हमारे जितने दिन सामान रहेगा जब तक हमारा घेवर तो टूटता ही नहीं है, यानी कि आता रहता है क्योंकि यही दिन होते खाने के इसके। और जिस फिर हमने खाना खा के फिर अपना भाई वही जो डेली जोएं तोड़ते हैं वो तोड़े, फिर मैंने आराम किया। फिर शाम के 5 बज गए थे, फिर मैं अपने कपड़े को समेटने लग गई थी, मैंने दिन में भी प्रेस की थी कपड़े की तो मैंने सेट नहीं किए थे, तो उनको मैं अब सेट कर रही हूँ, यहाँ पर देख रही हूँ, लगा रही हूँ। और भाई पूरे कपड़े प्रेस करके चुन्नी सलवार जब भाई जैसे ये सब सेट करके मैं यहाँ पे रख दूँगी ताकि साथ में सारे कपड़े मिल जाएं। और देखिए चुनियाँ पता नहीं क्यों कपड़े लेते तब ज़रूर इनकी भाई तय ख़राब होती है, तो इनको मैं सेट करके फिर से इनको लगाऊँगी अच्छे से। तो जी प्लीज़ व्लॉग पूरा देख लिया करो, आपको हज़ार बार बोलती हूँ बाहर कहीं जा नहीं पा रहे हैं, जाएंगे तो ज़रूर मैं व्लॉग बनाती हूँ। आपने मेरे व्लॉगों में देखा भी होगा कि मैं बाहर जाती हूँ तो कभी भी बिना बगैर बनाए नहीं हटती। और भाई यहाँ पे शहर आपस में आना जाना यहाँ किसी का होता नहीं है, घर परिवार सब अपने अपने घर से मतलब रखते हैं, तो किसको साथ में लें, किसको आपको भाई जैसे बताएं कि ये वो कोई नहीं आता जाता यहाँ पे, सब अपने घर में ही मस्त हैं। तो हम भी अपने घर में मस्त हैं, तो अपने जो घर में हमारा डेली रूटीन में जो बनता रहता है करते रहते हैं, मैं आप तक वही शेयर करती रहती हूँ। तो प्लीज़ व्लॉग पूरा देख लिया करो, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वैसे तो पूरा साल ही निकल गया रिक्वेस्ट करते करते, लेकिन किसी को कोई असर नहीं हुआ, तो प्लीज़ व्लॉग पूरा देख लिया करो। एक साल से मेहनत की है मैंने तो उसका फल नहीं मिला मेरे को, इस चीज़ का भी मेरे को बहुत दुख है, लेकिन किसको बोलें बार बार, किसको बताएं अपनी बातें, तो बहुत गुस्सा भी उठता है। और भाई पता नहीं किसी व्लॉग में देखना बकवास करते रहेंगे, कुछ ढेले का व्लॉग नहीं बनाते, मैंने कई देखे हैं कैमरा लेके ऐसे बकवास करते हैं जब व्लॉग बना देते हैं, लेकिन हम तो मैं तो बकवास तो हम कभी करते नहीं, जो डेली रूटीन का घर में जो करते हैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी गुस्सा मैंने उतार दिया है, तो जी चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक मेरी राम राम।